सिद्धू मूसेवाला की हत्या से जुड़े कुछ ऐसे रहस्यमय सवाल आज मैं आप लोगों के सामने रखने वाला हूँ, जिन्हें जानने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। साथ ही मैं आपको कुछ रहस्यमय तस्वीरें भी दिखाऊंगा। सवाल नंबर पहला, जिस दिन मर्डर हुआ उस दिन सिद्धू मूसेवाला की पजेरो कार पंचर कैसे हुई और उसके बावजूद भी वो थार में जाने के लिए कैसे तैयार हुए जबकि उनके पास बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर मौजूद थी। सवाल नंबर दूसरा, आखिर हमलावरों को कैसे पता चला कि सिद्धू मूसेवाला कहाँ पर है। सवाल नंबर तीसरा, सिद्धू मूसेवाला अपनी पगड़ी के बिना कहीं नहीं जाते थे लेकिन मर्डर वाले दिन वो अपनी बिना पगड़ी के ही चले गए और हमलावरों को ये बात कैसे पता चली कि बिना पगड़ी वाला आदमी ही सिद्धू मूसेवाला है और वो ड्राइविंग सीट पर बैठा है। सवाल नंबर चौथा, स्क्रीन पर आप लोग कुछ ऐसी इमेज को देख पा रहे होंगे, इस थार कार में ऐसी कोई भी जगह नहीं बची है जहां पर गोली ना लगी हो, फिर आखिर उनके दो दोस्त कैसे बच गए, सिद्धू मूसेवाले की ही हत्या क्यों हुई, सिद्धू मूसेवाले के दोस्त सही सलामत हैं, इस बात की खुशी मुझे बहुत है लेकिन ये सवाल सोच में डालते हैं। सवाल नंबर पांचवा, आखिर सिद्धू मूसेवाले की पिस्टल में दो गोलियां कैसे बची जबकि उनके पिस्टल में 9 गोलियां होनी चाहिए थी, बाकी बची हुई गोलियां उनकी दोस्त की सीट पर कैसे मिली जबकि वो उनकी सीट पर होनी चाहिए थी। सवाल नंबर छठा, सिद्धू मूसेवाले को गोली लगने के बाद वो 15 मिनट तक जिंदा थे। दोस्तों अगर उनके दोस्त एम्बुलेंस को कॉल करते तो शायद सिद्धू मूसेवाला आज हम लोगों के सामने होते। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मर्डर करने से पहले पूरी रेकी की गई थी, तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि सिद्धू मूसेवाले के पास काफी सारे गार्ड्स मौजूद थे, अगर ऐसा कुछ होता तो सबसे पहले गार्ड्स को शक हो जाता। दोस्तों ऐसे इल्जाम उनके दोस्तों पर लगाए जा रहे हैं, आप लोग अपनी राय नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।